हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 3 से, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.1 क्लास 6 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है? एक फोटो फ्रेम है, एक फ्रेम है, ये वाला सोचिए, एक फोटो फ्रेम है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम, मतलब एक वुडन स्ट्रिप ये जो होता है, यहाँ पे जो लगता है वुडन स्ट्रिप, वो कितना चाहिए एक फोटो फ्रेम के लिए। एक फोटो फ्रेम के लिए ये जो साइड में आपने देखा होगा जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं वुडन स्ट्रिप। रिक्वायर टू फ्रेम अ फोटोग्राफ मतलब वो चाहिए होता है फ्रेम करने के लिए, फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए चाहिए होता है, तो वो कितना चाहिए उसमें पूछा है, वो कितना लेंथ वो वाला वुडन स्ट्रिप चाहिए। लेंथ दिया है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए लेंथ एंड ब्रेथ ऐसे दिया, तो लेंथ ये वाला वैल्यू होगा 32, इसका वैल्यू होगा, और ब्रेथ का वैल्यू होगा 21 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये वाला कितना उसका वुडन स्ट्रिप चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला कितना है, बाउंड्री है ये इसका, बाउंड्री मतलब पेरीमीटर होता है, हमेशा याद रखे बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। तो बाउंड्री है इसका, तो इसको क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसका निकालना है, फर्स्ट फोटोग्राफ। देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है, और ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, तो फिर यहाँ लेंथ आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 और 2 जैसे किया था वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या करना है, जो गिवन है वो लिखना है, लेंथ ब्रेथ गिवन है तो वो फर्स्ट लिखना है। तो लेंथ कितना दिया है फर्स्ट, वो गिवन जितना है वो गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का है ये। तो लेंथ कितना दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन है, ब्रेथ कितना है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका दोनों का यूनिट सेम है, तो कुछ भी कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर किसका, पेरीमीटर फर्स्ट जो निकालना है वो किसका निकालना पड़ेगा, फर्स्ट हमको ये रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा पेरीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे किसका पेरीमीटर, रेक्टेंगल जैसा है लेकिन क्या है वो, फोटोग्राफ दिया हुआ है, तो क्या निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ निकालना पड़ेगा, फोटोग्राफ। तो आपको जिसका पूछा जाएगा आप उसका पेरीमीटर लिखिएगा जो आपको पूछा जाएगा। तो ऊपर मैंने जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताया था, आप उसको पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप भी लिख सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हमेशा फॉर्मूला याद रखिएगा। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितना है 32, ब्रेथ है 21, तो ये कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 53 हो गया। तो ये 2 मल्टीप्लाई 53 हो गया, 32 प्लस 21, 5 3 जा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकला, 106 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना जरूरत है, यहाँ पे पूछा क्या गया था, लेंथ पूछा गया था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप, तो कितना लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ निकल गया 106 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया होगा। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स, एक लैंड दिया, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मतलब एक लैंड दिया, ये एक लैंड है। तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, ये एक रेक्टेंगुलर लैंड है, मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। तो मैंने आपको बताया था 0.7 क्या होगा, इसमें 0.7 लेंथ होगा, 0.7, और बाय के बाद जो दिया रहता है वो क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो 0.5 किलोमीटर किलोमीटर, दोनों का यूनिट देखिए दोनों का सेम है।
उसके बाद क्या दिया है, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, एक साइड जो दिया है वो क्या है, 4 रोज से, मतलब यहाँ पे क्या है, 4 रोज है, 4 रोज से फेंस्ड हुआ है, मतलब बाउंड्री में 4 रो वायर लगा है, मतलब यहाँ पे एक वायर लगा है, वायर 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 4 वायर लगा है, फिर यहाँ पे 4 वायर लगा है, फिर यहाँ पे 4 वायर लगा है, फिर यहाँ पे 4 वायर लगा है, मतलब आपने बाउंड्री में देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा, यहाँ पे बाउंड्री में सपोज जैसे प्लेग्राउंड में दीवार होता है, बाउंड्री में दीवार होता है, ऊपर ऊपर बाउंड्री बना देते हैं दीवार से, तो यहाँ पे क्या है, 4 रो वायर्स, तो यहाँ पे क्या है, बाउंड्री में वायर्स लगा दिए हैं, चार चार, यहाँ चार, यहाँ चार, यहाँ चार, यहाँ चार, तो वायर्स लगा दिए हैं। वट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड, तो लेंथ कितना होगा, वायर का टोटल लेंथ निकालना है। तो फर्स्ट ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब रेक्टेंगल होगा, और वायर कहाँ पे लगेगा, वो बाउंड्री में लगेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, किसका निकालना पड़ेगा, रेक्टेंगल का निकालना पड़ेगा, तो वो होगा रेक्टेंगल का, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ेगा, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब वो क्या होगा, फील्ड का दिया है, तो ये वाला क्या है, एक फील्ड है, फील्ड में वायर लगा है, तो फर्स्ट क्या निकालना पड़ेगा हमें, पेरीमीटर ऑफ फील्ड, तो फर्स्ट निकालना पड़ेगा फील्ड कितना बड़ा है, उसके बाद ही वायर लगा सकते हैं, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट क्या करना होगा, हमें पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालना पड़ेगा, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × लेंथ + ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे फर्स्ट, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या दिया है, लेंथ कितना दिया है, जो गिवन है मैंने आपको बताया पहले वो लिखेंगे, लेंथ, तो लेंथ कितना गिवन है, यहाँ पे 0.7 गिवन है, 0.7 क्या, किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट जो गिवन है, उसके बाद क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, गिवन क्या था, वो फील्ड था, तो ये वाला जो ऐसे था, यहाँ पे फिर क्या किया है, बाउंड्री में 4 वायर लगा दिए हैं, ऐसे 4 वायर लगा दिए हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट फील्ड है ये वाला, तो क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालना है, पेरीमीटर ऑफ फील्ड फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हमेशा फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो आपको सॉल्व नहीं होगा, आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तो 2 × 0.7 प्लस 0.5, तो 2 × ये कितना हुआ, 5 × 10 = 11 12 12 और 0 1.2 हो गया ये, तो 1.2 × 2 कितना होगा, 2.4 होगा, यूनिट क्या होगा, किलोमीटर, जो यूनिट है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये कितना हो गया, इसका पेरीमीटर कितना होगा, बाउंड्री कितना हो गया, 2.4 किलोमीटर, उसके बाद वहां पे क्या दिया था, एक एक साइड में कितना लगा था, एक एक साइड में चार चार वायर लगा था, तो यहाँ पे लिखना होगा, एक एक साइड में कितना लगा था, 4 वायर लगा था, तो ईच साइड वहां पे देखिएगा दिया हुआ है, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखूंगी, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज, तो वहां पे क्या है, 4 रोज से उसको सजाना है, वायर लगाना है, तो 4 रो मतलब यहाँ पे 4 है, ये 4 है, फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये वाला यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2.4, तो पेरीमीटर सबका बाउंड्री निकल गया, तो ये कितना, 4 रो लगाना है, मतलब क्या हुआ, 4 × होगा, उसमें 4 रो सजाना है, मतलब क्या हुआ, 2.4 × 4 होगा, जो कि होता है 9.6 किलोमीटर, तो वायर कितना चाहिए होगा, 9.6 किलोमीटर वायर हम लाएंगे तो ही यहाँ पे वायर कंप्लीट होगा, तो लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना चाहिए होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना चाहिए होगा, इज
9.6 किलोमीटर, तो 9.6 किलोमीटर अगर वायर होगा तो ही ये बाउंड्री में लग पाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पेरीमीटर का वैल्यू निकल गया, फिर नाइन पेरीमीटर का वैल्यू निकल गया, उसके बाद यहाँ पे दिया था 4 रोज, एक का वैल्यू, एक पूरा पेरीमीटर का वैल्यू निकल गया 2.4। तो 4 रोज, मतलब 4 रोज का कितना निकलेगा, मल्टीप्लाई 4 करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।